एक सवाल जो है, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो मेरा नेक्स्ट सवाल है इनसे, वो हर एक घर के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ एक सवाल। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, मियां बीवी के झगड़े, ये इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनके पहले कारण क्या हैं और दूसरा इसका निदान क्या है? रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। फैमिलीज का सपोर्ट सिस्टम नहीं है और हम भागते जा रहे हैं पता नहीं कौन से गोल की तरफ, थम ही नहीं रहे हैं, स्लो डाउन भी नहीं करते हैं कि हम सोचें एक सेकंड के लिए कि क्या ये मेरे लिए एक्चुअली उतना ज़रूरी है भी कि नहीं। आज के दिन में मुझे लगता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, स्ट्रेस कहीं ना कहीं पर हर एक वर्ग के इंसान को एक्सपीरियंस होता है, उसके कारण अलग हो सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, सबको दिखता है कि आज के दिन में मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है, एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, वो मार्क्स के बिना आएगा नहीं। आपको कंपैरिजन्स हो जाते हैं कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, दोस्त को देखो कैसे कर रहे हैं। फैमिलीज़ का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे श्रिंक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा असर तो बड़े बुजुर्ग लोगों पे आया है क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के लिए खुद सोचना पड़ता है, बट साथ में उनको एक टेंशन ये भी रहती है कि हमारे बच्चे ठीक हैं कि नहीं है। मार्क्स सिर्फ एक आंकड़ा है और जब तक हम ये बच्चों को क्लियरली नहीं बोलेंगे तो उनको तो प्रेशर लगेगा ही। तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को राइट मैसेजिंग दें। खान पान और रहन सहन का तरीका जो है आदमी की जीवन शैली को लगातार से बदलता जा रहा है। किसी भी तरह की बीमारी हो, लोग अपनी बीमारी का उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो तनाव है या मानसिक रूप से जिस तरह की बीमारियां आदमी के शरीर के अंदर होती हैं, आदमी कई बार उन्हें नहीं पहचान पाता। ये चीज़ें लगातार समाज में बढ़ती जा रही हैं और आम तौर पे जो समाचार देखने को मिलते हैं, मारकाट से संबंधित समाचार हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें जहां बाप अपने बेटे को मारा है, बेटा बाप को मारा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं बीमारी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। मेरे साथ में डॉक्टर कामना छिबर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गावा से, तो इनसे बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो ये क्यों हैं मैडम, इनके रीज़न क्या हैं और ये आदमी को कब पहचान कितनी जल्दी पहचानना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी इंसान का जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उनके हर एक ज़िंदगी के पहलू पे असर करता है। अगर हम उनके रिश्ते, उनके बारे में बात करें, उनके काम के बारे में बात करें, उनकी खुद की हेल्थ के बारे में बात करें, उन सारे एस्पेक्ट्स पे उसका असर आएगा। उस पर फोकस करना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार ये भी नहीं समझते हैं कि किस तरह से हमारी जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा का जो तनाव है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। प्रेशर है, कॉम्पिटिशन है, आप किसी ना किसी तरह एक गोल पर पहुँचना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपके आस पास लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ें जो है हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और हमें लगता है कि ये तो सबके साथ ही है तो हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। सिंपल साइंस होते हैं जिनको हम कई बार देखते भी नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं कि ये हमको इंडिकेटर दे रहे हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। जैसे मानो लोगों की नींद पर असर आना शुरू हो जाता है, या तो आप सुबह जल्दी उठते हैं या फिर आप बाद सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, आपको दिखता है कि आपके कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा असर आ रहा है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप देखते हैं कि आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं करता है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, जो चीज़ें पहले पसंद आती थी उनमें आपका रुझाव नहीं लगता है, अब इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं, कई बार होता है कि घर वालों से भी आप थोड़े कटे कटे रह रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं रहे हैं। ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, जब आप इनको देखते हैं कि ये नियमित रूप से आपके साथ चलते जा रहे हैं, 10 दिन निकल गए, 2 हफ्ते निकल गए, वो जो तनाव का जो प्रेशर जो आपके ऊपर है वो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेटर है कि कोई चीज़ गड़बड़ है जिसको आपको सुलझाने की ज़रूरत है। वो आपकी लाइफ की एक रियल सिचुएशन हो सकती है, वो आपकी एक एंटिसिपेशन हो सकती है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो हो सकता है कि पास्ट में कोई इंसिडेंट था जिसने आपके ऊपर बहुत गहरा असर किया, तो वो आपको शायद आज के दिन में तकलीफ दे रहा है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको अंदर से खाने लग जाएंगी, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि पहले तो अपने इमोशंस को, अपनी सोच को एक्सेप्ट करें और उसको सुलझाने के लिए, ठीक करने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसमें से निकलूं, तो अपने आसपास लोगों से बात करें, वो सबसे ज़्यादा सिंपल एक्ट होता है कि आप किसी से अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हो सकता है एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नज़रिया मिलेगा, जिससे कि आप अपने तनाव को कम करने के बारे में कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। सो दोस्तों से बात करें, घर वालों से बात करें, कई बार होता है कि आपके आसपास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लोग नहीं समझ रहे हैं, एक्सपर्ट से बात करें,
अगर आपको लगता है कि आर्थिक सिचुएशन ऐसी है कि आप एक्सपर्ट के पास पर्सनली नहीं जाते जा सकते हैं, तो हेल्पलाइन से, जैसे हम लोग एक 24 घंटे की हेल्पलाइन चलाते हैं जो 14 नेशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, फ्री में है, इस तरह की बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, उनका एक्सेस करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई और भी नहीं रख पाएगा, तो अपने इमोशंस की तरफ, अपनी सोच की तरफ, अपनी सिचुएशंस की तरफ थोड़ी सी कंपैशन दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैम सिर्फ एक चीज़ ऐसी सवाल, आधुनिकता की दौड़ में जब आदमी ने दौड़ना स्टार्ट किया, ये बात सिर्फ 90s के दौर के बाद शुरू हुई, उससे पहले ये स्ट्रेस नाम की चीज़ जो है लोग शायद जानते भी नहीं थे, उतना स्ट्रेस नहीं होता था, क्या मानते हैं कि हम जब विकास की तरफ दौड़ रहे हैं तो ये स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है? मुझे लगता है दो तीन चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस पहले नहीं था, स्ट्रेस का रूप अलग था, बट उस समय जो है घर परिवार का जो असंगत था वो बहुत ज़्यादा था। लोग बड़े परिवारों में रहते थे, आपको पता था कि अगर आपके कोई तकलीफ़ है तो आपके चाचा हैं, मामा हैं, ताया हैं, भाई हैं, बहन हैं, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। आज के दिन में हम एक लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं, बट हम अकेले भी भाग रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का सिस्टम आ गया है और रिलेशनशिप, वहाँ आदमी अकेला हो गया, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो पूरी सच्चाई है आप सबके सामने रख रहे हैं, सो सोशल सेल्फ जो आपका है, जो पर्सनल सेल्फ है, वो अलग अलग हो गए हैं, तो आपके दोस्त लोग भी जो आपके बहुत करीबी आप कहते होंगे हैं, हो सकता है वो भी आपको पूरी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब लोगों को पता चल गया है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मेरे से निकल जाएगी, तो हम उन चीज़ों को भी छुपाना चाहते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो हैं कमज़ोर पड़ रहे हैं, फैमिलीज़ का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और हम भागते जा रहे हैं पता नहीं कौन से गोल की तरफ, थम ही नहीं रहे हैं, स्लो डाउन भी नहीं करते हैं कि हम सोचें एक सेकेंड के लिए कि क्या ये मेरे लिए एक्चुअली उतना ज़रूरी है भी कि नहीं। स्ट्रेस बोले तो होना आमतौर पे एक मिडिल एज आदमी को होना चाहिए जो घर के लिए परिवार के लिए कमा रहा है, लेकिन स्ट्रेस देखने में आता है 5 साल के बच्चे से शुरू होकर के स्कूलिंग जो बच्चा कर रहा है, कॉलेज लाइफ है, वहाँ तक भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, और ओल्ड एज के जो वहाँ तक भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ये किस तरीके से डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस आज के दिन में मुझे लगता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, स्ट्रेस कहीं ना कहीं पे हर एक वर्ग के इंसान को एक्सपीरियंस होता है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, और स्ट्रेस होना अपने में एक बुरी बात नहीं है, अगर इंसान थोड़ा बहुत स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा तभी उसके अंदर एक मोटिवेशन भी आती है कुछ करने के लिए, वरना कोई ड्राइव नहीं होगी कुछ भी करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्ट्रेस का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वो नहीं है, स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है, और वो आ रहा है अपनी एक्सपेक्टेशन से, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से, और जो हमें लगता है कि हमें एक लाइफ या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी उसका स्ट्रेस आ रहा है। बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, सबको दिखता है कि आज के दिन में मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है, एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, वो मार्क्स के बिना आएगा नहीं, आपको कंपैरिजन्स हो जाते हैं कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, दोस्त को देखो कैसे कर रहे हैं, आप देखते हैं कि पिछले साल इतने मार्क्स आए थे, इस साल तो हमें उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, कैसे बढ़ेंगे आगे, कन्फ्यूजन रहता है कि फ्यूचर में हम अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सो हर एक तरह के जो प्रेशर्स हैं वो बच्चों के ऊपर आते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स उनके बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बुलिंग, ट्रोलिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं आज के दिन में जो बच्चों पे बहुत प्रेशर्स क्रिएट कर रही हैं, तो उनके लिए ये वाले रेंज ऑफ स्ट्रेसर्स हैं। बड़े बुजुर्ग की बात करें तो उनको अकेलापन बहुत महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रही थी पहले भी कि जो फैमिलीज़ का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे श्रिंक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा असर तो बड़े बुजुर्ग लोगों पे आया है, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के लिए खुद सोचना पड़ता है, बट साथ में उनको एक टेंशन ये भी रहती है कि हमारे बच्चे ठीक हैं कि नहीं है, उनके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनको शायद ये भी नहीं पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको ना बताएं, उनको ना दिखें, बट उनको भी दिख जाता है कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल से, कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं, तो वो अलग स्ट्रेस उस पर जी रहे होते हैं। बच्चों का स्ट्रेस जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ तो खासतौर पर, जहाँ नंबर अगर कम आ रहे हैं तो बच्चे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, कैसे देखेंगे कि आज के ये सोसाइटी बच्चे कर क्या रहे हैं और ये इतना जज्बा कैसे ले आते हैं? देखिए मुझे लगता है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं सवाल ये नहीं है, सोसाइटी क्या कर रही है, आसपास जो लोग हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा जो सपोर्ट है बच्चों के लिए वो कमज़ोर पड़ रहा है, और उनका जो इंटरप्रिटेशन है कि वो मार्क्स की इतनी अहमियत क्यों है, वो कहीं पे एक फॉल्टी इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन बच्चे खुद नहीं करते हैं,
वो आसपास जो अडल्ट्स हैं आसपास ये क्रिएट किया जाता है, मीडिया से आता है, आपकी पढ़ाई, आप आसपास जो लोग हैं वो आपको बोलते हैं वहाँ से आता है। आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोचो बट आपके आसपास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें, आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ से आता है। तो कहीं पर मल्टीपल लेवल्स पर एक फेलियर हो जाता है जिस वजह से बच्चे उस कदम को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इतने नंबरिंग का जो गेम चल रहा है सोसाइटी में, ये कहीं ठीक है किसी लेवल पे? क्योंकि आज से पहले जब हम छोटे थे इस तरह के स्ट्रेस कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज वो दौड़, अंधी दौड़ जो शुरू हो चुकी, वो बच्चों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। हमें जो एम्फेसिस करने की ज़रूरत है वो है स्किल्स पे, कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स दें, हम उनको ये समझाएं कि मार्क्स अपने में ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम्स के थ्रू या पढ़ाई के थ्रू सीख रहे हैं डिसीशंस लेना, किस तरह से आप सीख रहे हैं अपना टाइम मैनेज करना, किस तरह से आप सीख रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इश्यूज़ में से निकलना, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, बातचीत करना, मोटिवेशन को मेंटेन करना, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स हैं जो आपकी ज़िंदगी भर में काम आएंगी। मार्क्स सिर्फ एक आंकड़ा है, और जब तक हम ये बच्चों को क्लियरली नहीं बोलेंगे तो उनको तो प्रेशर लगेगा ही। तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को राइट मैसेजिंग दें। एक बड़ी चीज़, आजकल गेमिंग का दौर चल रहा है, गेमिंग क्या बच्चों के लिए ठीक है, क्या वो स्ट्रेस को दूर करती है? देखिए, स्ट्रेस को बच्चों को लगता है कि शायद उनका स्ट्रेस दूर हो रहा होगा, मुझे लगता है इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, येस और नो आंसर नहीं है। आप कितना समय बिता रहे हैं उस एक्टिविटी पे उसकी वैल्यू होती है। अगर आप अपने बाकी कामों को छोड़कर उस गेमिंग में ही मसरूफ़ हैं, आप अपनी बाकी लाइफ पे असर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए ठीक नहीं है। गेमिंग अपने में ही ख़राब नहीं है, बट उस गेमिंग का इम्पैक्ट क्या है उसका प्रॉब्लम आता है। सो क्या आप और चीज़ों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हैं कि नहीं है, कि अगर आप रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, आप उस पर देख ही नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। एंड बाकी तीसरा एस्पेक्ट जो आता था कि जब आप गेमिंग कर रहे हैं और आप उसमें जो अग्रेशन देख रहे हैं, उसमें जो वायलेंस देख रहे हैं, क्या आप उसको डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल चीज़ है, ओके चीज़ है, सोसाइटी ऐसे ही चलती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। सो अडल्ट्स को आसपास बच्चों की बात करनी पड़ती है, बार बार उनको समझाना पड़ता है, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ पीनलाइज करने से, रोक करने से नहीं सोल्यूशन निकलता, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ज़रूरी है ताकि वो भी बेहतर चॉइसेस बना सकें। ये एक सवाल जो है, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूँ कि ये जो मेरा नेक्स्ट सवाल है इनसे, वो हर एक घर के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ एक सवाल। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ये इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनके पहले कारण क्या हैं और दूसरा इसका निदान क्या है? कारण तो कई हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में धीरे धीरे हम सबकी टॉलरेंस जो है कम होती जा रही है, सब अपने मी पे फोकस कर रहे हैं, हम अस पे फोकस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि मेरी जो ज़रूरत है वो सामने आनी चाहिए, मेरी जो सोच है वो सामने आनी चाहिए, मेरी जो आशाएँ हैं उनका फुलफ़िल होना ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं पर वो पारिवारिक सोच को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। राइट्स के बारे में बात होती है बट हम बात नहीं कर रहे हैं अबाउट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एक दूसरे की तरफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई एक जेंडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूचुअल प्रोसेस होता है, दोनों तरफा होता है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फाउंडेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन उसका कॉर्नर स्टोन है। अगर आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट जो है इसका निदान होएगा आपका कम्युनिकेशन के थ्रू। बातचीत करना, अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको आराम से समझाना, बताना, समय लेना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बात सुनना ज़रूरी है और साथ में ये समझना ज़रूरी है कि दो लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं और दोनों सोच सही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का सोचना ही ठीक है या एक की बात ही ठीक है, दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। बट हम अग्री कर सकते हैं कि हम सोच अलग रखते हैं बट हम एक रास्ता ये डिसाइड करें, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफ़िल करता है। सो अलाइनमेंट कपल्स के बीच में होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस वैल्यू सिस्टम के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं और किन गोल्स की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम होंगे और राइट एनवायरनमेंट घर में बनेगा और बच्चों का उससे फ़ायदा होगा। खाने पीने का जो सारा सिस्टम है लोगों का, वो बिगड़ा हुआ है। सुबह में लेट से उठना और देर में रात को दो दो तीन तीन बजे तक जागना, होटल फूडिंग चल रही है, सारा जो जंक फूड के ऊपर सारी जो ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं आकर के टिकने लगी, इसका मानसिक स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव? लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा असर आता है। आप क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किस समय उठते हैं, सोते हैं, उन सारी
उन सारी चीज़ों का बहुत असर आता है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, नियमित रूप से सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, अपना खान पान नहीं देख रहे हैं, अपने फिजिकल हेल्थ माने एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो, योगा हो, प्राणायाम हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर आएगा ही आएगा और उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो फिर भी आपको बीमारी नहीं हो सकती है मानसिक स्वास्थ्य संबंधित, फिर भी हो सकती है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारियां होती हैं वो बायोलॉजिकली भी ड्रिवन होती है। बट एटलीस्ट वो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ को देखना, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बीइंग ए डॉक्टर, आप जो है गुड़गांव में बैठी हैं, 40s में हैं, कितने लोग और कितनी जल्दी तरीके से इनमें वृद्धि हो रही है कि कैसे कैसे केसेस आपके पास आ रहे हैं, कितने परसेंटेज जो है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने लोग जो हैं बढ़ रहे हैं? तो ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, प्रेवलेंस रेट्स ऐसे चेंज नहीं होते हैं, बट ये ज़रूर है कि WHO ने इस पैंडेमिक के बाद ये ज़रूर अनाउंस किया है कि 25% एंजाइटी और डिप्रेशन की जो बीमारी है बड़ी है वर्ल्ड ओवर। एंड हम लोगों के जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग आज के दिन में आते हैं, बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सुलझाना चाहते हैं कि किसी तरह से उसका कोई सोल्यूशन निकले, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट आज के दिन में भी सच्चाई ये है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जिनको मानसिक बीमारियां होती हैं उनको हेल्प फिर भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस नहीं होती है कि एक बीमारी है जिसको हम सुलझा सकते हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, एंड अगर आप एक सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी मदद कर सकेंगे। तो वो भी एक पैरेलल रियलिटी अभी भी है। गवर्नमेंट लेवल पे कहीं इस चीज़ को समझा जा रहा है क्या, इस चीज़ की कोई अहमियत गवर्नमेंट जानती है कि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मानसिक समस्याएं जो हैं ये तेज़ी से बढ़ रही हैं, इस दिशा में कोई कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रही हैं, तभी इसमें आज के दिन में हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। जो स्टिग्मा है, जो मिसकंसेप्शन है, थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ की जो एक्ट है वो भी रिलीज़ हुई थी अभी पीछे हाल ही में, 2015 में आई थिंक, एंड दैट वाज अ न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट। एंड धीरे धीरे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किस तरह से सही तरह से इन बीमारियों का सुलझा सके, किस तरह से लोगों को सही मदद मिल सके, किस तरह से राइट सिस्टम्स हों, अप्रोचेज हों, एंड इसके लिए काफ़ी कदम आज के दिन में उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट पीछे इंश्योरेंस की भी बात हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश हो रही हैं इस डायरेक्शन में। बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको करते रहना पड़ेगा, और वो पुश जो है कम्युनिटी और सोसाइटी की तरफ से आता है कि अगर हम बोलेंगे कि ये हमारी ज़रूरत है तभी आगे से भी उसका रिस्पांस आता है। तो हम लोगों का जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है वो है कि हम इसको पुश करते रहें, इस टॉपिक को सामने ला के रखते रहें, तभी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं इसके लिए और भी ज़्यादा करेंगे, कर रहे हैं बट और भी करेंगे। डॉक्टर कामना छिबर, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप अपने घर में बैठ करके ज़रूर सोचते होंगे लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने का जो है कभी हौसला नहीं हो पाया होगा या कभी जाने का मौका नहीं मिल पाया होगा, तो वो सारी चीज़ें जो आपके जहन में, जो आपके दिमाग में थी, जो दिल में थी, वो डॉक्टर कामना छिबर में पूरे विस्तार से उसके ऊपर जानकारी दी है। सबसे जो पूरा इसका जो एक निचोड़ निकल के आया कि जो परिवारों के अंदर दूरियां पैदा होती जा रही हैं, परिवार जो है न्यूक्लियर छोटी फैमिलीज बनती जा रही हैं, वो वहाँ से ही जो परिवार का सहयोग ना मिल पाना, मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना वहीं से उसकी शुरुआत, उसी का बीज जो है वहीं से बताया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर जो है वो स्टडी को लेकर के प्रेशर है, उस चीज़ के लिए भी सोसाइटी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, परिवार कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अगर नंबरिंग को छोड़ दिया जाए तो बच्चों के स्ट्रेस और उनके साथ होने वाली घटनाओं को भी रोका जा सकता है। कैमरा मैन बीने के साथ सुनील सदाना, न्यूज़ ओनली चंडीगढ़।